कोलकाता ने खोली चेन्नई की तकदीर, धोनी के टीम के लिए बन गया रास्ता, राजस्थान बेंगलोर का क्या बिगड़ेगा खेल, आईपीएल 2022 में प्लेऑफ की तस्वीर अभी भी साफ नहीं हुई है। भले ही लखनऊ और गुजरात की दो टीमें ऐसी नजर आ रही है जो लगभग प्लेऑफ में पहुंच चुकी है, लेकिन बाकी दो टीमों का अभी भी तय नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जिस तरीके से कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ जीत दर्ज की है, उसने अभी भी कोलकाता के जीत की उम्मीदें जिंदा रखी है, क्योंकि कोलकाता की टीम जानती है कि अगर यहां से वो लगातार जीते तो आगे चमत्कार हो सकता है। मुंबई इंडियंस के खिलाफ कोलकाता नाइट राइडर्स ने शानदार जीत दर्ज की। ये जीत 52 रनों से थी, जिसे बड़ी जीत माना जाएगा, और इससे कोलकाता नाइट राइडर्स को 2 पॉइंट्स तो मिले ही मिले, साथ ही उनके नेट रन रेट में भी एक बड़ा सुधार देखने को मिला। कोलकाता के लिए अभी भी है प्लेऑफ की उम्मीदें जिंदा। कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करें तो उन्होंने मुंबई इंडियंस के खिलाफ जिस तरीके से एक बड़ी जीत दर्ज की, उसने टीम की उम्मीदें अभी भी जिंदा रखी है। पॉइंट्स टेबल पर अगर नजर डाली जाए तो कोलकाता नाइट राइडर्स अब 7वें नंबर पे है। केकेआर के 12 मैचों में 5 जीत 7 हार के साथ 10 अंक है और उनका नेट रन रेट -0.057 का है। अब कोलकाता के लिए आगे यहां से क्या बचता है? कोलकाता को चाहिए कि वो अपने अगले बचे दोनों मुकाबले जीत ले, इससे उनके 14 मैचों में 14 अंक हो जाएंगे। वहीं कोलकाता की नजरें राजस्थान रॉयल्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, दिल्ली कैपिटल्स, सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स पर भी होगी, क्योंकि कोलकाता चाहेगी कि अगर वो इन तरफ जीते तो कुछ ऐसी टीमें हारे भी जो उनकी प्लेऑफ की रेस में रोड़ा बन सकती है। चेन्नई के लिए भी खुला हुआ है रास्ता। केकेआर ने जिस तरीके से मुंबई इंडियंस को हराया, उससे कोलकाता नाइट राइडर्स को तो फायदा हुआ ही है, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स की उम्मीदें भी अभी जिंदा है, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स के अभी 11 मैचों में 8 अंक है, और अगर यहां से चेन्नई सुपर किंग्स अगले बचे तीनों मुकाबले जीतता है तो उनके 14 मैच में 14 अंक हो जाएंगे। सीएसके का अभी नेट रन रेट बेहतर है, वो +0.028 है। ऐसे में सीएसके भी चाहेगी कि वो अपने अगले बचे तीनों मुकाबले जीते, और राजस्थान रॉयल्स, आरसीबी, ये दोनों टीमें अगले बचे अपने सभी मुकाबले हार जाए, इसके साथ ही उनकी नज़र दिल्ली कैपिटल्स, सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स पर भी होगी। लेकिन माही का सेना का कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि माही की सेना के लिए किस्मत ने भी पहले काफ़ी साथ दिया है, और इस बार चेन्नई फैंस को उम्मीद है कि उनकी टीम भी प्लेऑफ में अभी भी क्वालिफाई कर सकती है। राजस्थान बेंगलोर का फिर क्या होगा? अगर पॉइंट्स टेबल पर नजर डाली जाए तो अभी तक राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर दोनों टीमें बेहतरीन नजर आ रही है। आरआर ने जहां 11 मैचों में 7 जीत 4 हार के साथ 14 अंक हासिल किए हैं, वहीं आरसीबी के 12 मैचों में 7 जीत और 5 हार के साथ 14 अंक है। राजस्थान रॉयल्स को अगर यहां से प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करना है तो उन्हें अपने अगले बचे 3 में से 1 मुकाबला जरूर जीतना होगा, और अगर राजस्थान रॉयल्स अपना 1 मुकाबला भी जीतने में कामयाब रहती है तो वो प्लेऑफ के लिए 16 अंकों के साथ क्वालिफाई कर जाएगी। वहीं दूसरी तरफ आरसीबी पर नजर डाले तो उनके 12 मैच में 14 अंक है। ऐसे में आरसीबी को 1 जीत चाहिए और उनके पास 2 मैच बचे हैं। आरसीबी और राजस्थान रॉयल्स के लिए यहां से मुश्किलें ज्यादा नहीं है, क्योंकि उन्हें 2 में से 2 नहीं उन्हें 1 मुकाबला ही जीतना है, जिसके कारण वो प्लेऑफ में पहुंच सकती है। लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स, सनराइजर्स हैदराबाद, केकेआर, पंजाब किंग्स और सीएसके के लिए अभी भी काफी मुश्किलें हैं। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि राजस्थान रॉयल्स और आरसीबी 2 ऐसी टीम हो सकती है जो लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस के बाद प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, कोलकाता और चेन्नई की टीम अभी भी प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकती है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही क्रिकेट सूत्र को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिए।